सभी को प्रणाम। आज हम बात करेंगे योग में वो कौन से बंद हैं जिनको करने से हम अपने शरीर की प्राण शक्ति को बढ़ा सकते हैं, हम डायबिटीज जैसे रोग को जड़ से मिटा सकते हैं, तनाव को मिटा सकते हैं। बंद से हमारे शरीर की प्राण शक्ति बढ़ती है और प्राण ही तो हमारे शरीर को चलाता है। यदि आपका प्राण हेल्दी है तो आप निरोग हो सकते हैं, आप अपने जीवन को एक सही दिशा दे सकते हैं। तो योग में तीन बंद हैं। पहला बंद जालंधर बंद, आप ध्यान से सुने इस बात को, बहुत ही सूक्ष्मता से गहराई से आप इस ज्ञान को ग्रहण करें। योग में तीन बंद हैं। पहला बंद जालंधर बंद, गर्दन को नीचे झुकाना। आप नीचे कैसे झुकाएंगे, हल्का सा चिन्ह को बेंड करेंगे इस प्रकार से, जो गले की मांसपेशियां उनको सिकोड़ना है आप। ये ऐसे नहीं करना है, कई बार सिखाने वाले भी इसको गलत सिखाते हैं, गलत लगवाते हैं, तो इसको इस तरह से कर। तो जिनको सर्वाइकल में पेन रहता है उनका पेन बढ़ जाता है इससे, और जो जालंधर बंद का जो इफेक्ट है उस इफेक्ट से आप वंचित रह जाते हैं। दूसरा बंद है उद्यान बंद, पेट का जो हमारा ये जो पेट का भाग है इसको अंदर की तरफ खींचना है आपको, पूरा जितना आप खींच सकते हैं पेट की मांसपेशियों को अंदर की ओर खींचना है, तो ये उद्यान बंद लग जाता है। जो हमारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, लीवर, पेनक्रियाज, स्प्लीन, किडनी, इंटेस्टाइन, इन सब में प्राण शक्ति का संचार होता है उद्यान बंद का अभ्यास करने से। तीसरा बंद है मूल बंद। मूल बंद हमारे जो मूत्र इंद्रियां, हमारे जो एनस पार्ट है, गुदा द्वार है, उसको ऊपर की ओर खींचना है। जैसे आपने घोड़े को देखा होगा, घोड़ा जब लीद करता है और उसके बाद अपने एनस को खींचता है पूरा, ऐसे ही आपको मूल बंद में ऊपर की ओर संकुचित करना है। तो इससे हमारा जो मूलाधार चक्र है, हमारा जो प्राण शक्ति का जो पूरा केंद्र है, वो मूलाधार चक्र में ही हमारी शक्ति केंद्रित होती है जाकर। तो मूलाधार चक्र एक्टिवेट होता है, हमारी शक्तियों को एक दिशा मिलती है, ऊर्ध्वगामी हमारी शक्तियाँ होती हैं, ऊपर की ओर गति करने लगती हैं। तो इससे आपके शरीर में प्राण शक्ति बढ़ती है, आपका मन शांत होता है, केंद्रित होता है बंद लगाने से। तो ये इनका अभ्यास आप ज़रूर करें। जिन्हें डायबिटीज़ है, जिन्हें तनाव रहता है, वो त्रिबंध का अभ्यास करें। तीनों बंद जब हम एक साथ लगाते हैं तो इसे महाबंध कहते हैं योग में। तो महाबंध का अभ्यास आप कैसे करेंगे, एक बार देखें। बंध जिस कर्म में लगाएंगे उसी कर्म से हटाएंगे। तो आप ध्यान से देखिए, एक बार पूरा श्वास एक बार अंदर लिया, बाहर छोड़ेंगे, पूरे श्वास को बाहर ही रोक देंगे। धीरे से जालंधर बंध हटाते हुए श्वास को अंदर भरेंगे तो उद्यान बंध हटेगा, फिर मूल बंध छूटेगा। जैसे लगाया वैसे ही हटाया। तो ये महाबंध की प्रक्रिया है योग में। हम बहुत सारे, अधिकांश जो प्राणायाम करते हैं उनमें बंध जरूर लगाते हैं। बिना बंध के प्राणायाम की महत्ता ही नहीं है, प्राणायाम के लाभ से आप वंचित हो जाते हैं। आप नाड़ी शोधन की बात करें जो है तो भी बंध लगते हैं, आप भस्त्रिका प्राणायाम की बात करें तो भी बंद लगते हैं। तो बहुत सारे जितने भी प्राणायाम हैं अधिकांश सब में बंद का ही प्रयोग होता है, यही शास्त्रोक्त विधि है। तो इन बंदों का आप अभ्यास करें, इसे तीन बार से शुरू करके धीरे धीरे बढ़ाकर 21 बार तक आप ले जाएं, तो आप देखेंगे आपका मन जिन एकदम शांत हो जाए। जिनका मन कितना भी चंचल हो, हम देखते हैं जब हम साधना कराते हैं, महायोग का प्रोग्राम में हम बंद का अभ्यास कराते हैं, तो मन एकदम शांत हो जाता है। तो आप भी इसका अभ्यास करें और अपने तनाव से मुक्ति पाएं, अपने रोगों से मुक्ति पाएं, डायबिटीज़ जैसे रोग को आप जड़ से मिटाएं। तो आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामना है। आप इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर शेयर करें, क्योंकि वीडियो को शेयर करने में आपका कोई भी
खर्च नहीं होता, बस आपको क्लिक करना है। तो आप शेयर के बटन पर क्लिक करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं ताकि सही योग का ज्ञान सब तक पहुंचे। हमारा योग हमारी संस्कृति का रीढ़ है, हमारी संस्कृति का आधार है। तो अपने वैदिक संस्कृति के प्रचार प्रसार में आप भी अपना सहयोग करें और योग आयुर्वेद से संबंधित वीडियो आप ऐसे ही देखते रहें, आप जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और यदि कोई आपका सुझाव है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ओम। सब्सक्राइब करिए योग गुरु राजेश चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए हमारी लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स पाने के लिए।